हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बड़ी खबर में देखिए, छठ पूजा पर बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी है। हैदराबाद, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद से 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलेगी। जी हाँ, बड़ी खबर है। छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना, दानापुर, समस्तीपुर आने जाने के लिए 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन और चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का जो चलाने का फैसला किया गया था उसमें से 6 जोड़ी अतिरिक्त और चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं आगे देखिए, ये ट्रेन हैदराबाद के सिकंदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, जबलपुर और बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। दरअसल आपको बता दें कि छठ पूजा के मौके पर बिहार आने जाने वाले ट्रेनों में वेटिंग लंबी लिस्ट है। यात्रियों को त्योहार पर घर आने और वापस काम पर जाने के लिए टिकट बुक करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलने से रेल यात्रियों को हल्की राहत मिल सकती है। वहीं ट्रेनों की बात करें तो पटना सिकंदराबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर से चलेगी। वहीं अहमदाबाद पटना अहमदाबाद पूजा स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन 20 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं रानी कमलावती दानापुर रानी कमलावती पूजा स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और साथ ही जबलपुर दानापुर जबलपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर से चलेगी। देखिए, बिहार में दुर्गा पूजा में बारिश ने डाली खलल। पटना समेत कई जिलों में झमाझम हुई बारिश, साथ ही 5 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जी हां, देखिए बिहार में 2 साल के बाद दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन बारिश ने इसमें भी खलल डाल दी है। वहीं देखिए, पटना, भागलपुर, कटिहार समेत राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, साथ ही अगले 2 दिन ऐसे ही मौसम बना रहेगा। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही दुर्गा पूजा की 9वीं और 10वीं को बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण लोग त्योहार को ठीक ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस दौरान तेज हवाएं चलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री के नीचे जा सकता है। वहीं देखिए, पटना में तेज बारिश के चलते डाक बंगला चौराहे पर दुर्गा पंडाल का एंट्री गेट टूटकर एक ऑटो पर गिर गया। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुई। और में देखिए, बिहार में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 6 को रिजल्ट आएगा। जी हां, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होना है, वहीं 6 नवंबर को मतगणना होगी और दोनों सीटों का परिणाम मतगणना के बाद जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा में ये 2 सीटें एक सदस्य की सदस्यता जाने और जबकि दूसरे सदस्य के निधन होने से खाली हुई है। मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह विधायक थे। AK-47 घर में रखने और अन्य आपराधिक मामलों में सजायाप्ता होने के बाद अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है, जबकि दूसरी सीट मंत्री सुभाष सिंह के निधन से यह खाली हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस उपचुनाव में भाजपा के साथ महागठबंधन सरकार की परीक्षा होने वाली है। साथ ही इस उपचुनाव में मुकेश सहनी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। जी हां, आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में गोपालगंज से एनडीए उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज कराई थी, तो मोकामा सीट राजद उम्मीदवार आनंद सिंह ने जीती थी। प्रदेश में एनडीए में टूट और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हो रहा है, तो जाहिर है कि अब दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। भाजपा जहां गोपालगंज के साथ मोकामा में भी अपना पूरा जोर लगाएगी, वहीं महागठबंधन के लिए भी दोनों सीटें प्रतिष्ठा का विषय है। वहीं सही मायने में देखा जाए तो उपचुनाव महागठबंधन सरकार की परीक्षा भी है। तो वहीं देखिए, भाजपा और महागठबंधन के टक्कर के बीच विकासशील इंसान पार्टी ने भी ऐलान किया है कि दोनों सीट पर वह प्रत्याशी उतारेगी। वहीं आपको बता दें कि यह दूसरा मौका होगा जब 2 सीटों पर भाजपा अकेले चुनाव मैदान में होगी। दूसरी ओर राजद, कांग्रेस, वाम दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मिलकर इन सीटों पर अधिकार जमाने की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एक तरफ देखा जाए तो मोकामा सीट राजद की गढ़ मानी जाती है। 2020 के चुनाव में इस सीट से राजद उम्मीदवार आनंद सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब यह 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन पार्टी जीतने वाली है।
तो वहीं बड़ी खबर में देखिए, मोकामा सीट पर आनंद सिंह की पत्नी लड़ सकती है चुनाव। जी हां, मोकामा विधानसभा सीट बाहुबली आरजेडी विधायक आनंद सिंह को कोर्ट से सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता जाने के बाद रिक्त हुई है। अब देखिए, माना जा रहा है कि वहां से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस सीट पर जेडीयू भी चुनाव लड़ता रहा है और बदली राजनीतिक परिस्थितियों में अब जेडीयू भी आरजेडी के साथ है। अब यह देखना होगा कि महागठबंधन सरकार मोकामा सीट पर किसको अपना उम्मीदवार उतारती है। बड़ी खबर में देखिए, गांधी मैदान में 70 फीट लंबा होगा अहंकारी रावण का पुतला और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश और तेजस्वी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना काल के 2 साल बाद भव्य रूप से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं इस बार दुर्गा पूजा की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। विजयदशमी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अहंकारी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। गांधी मैदान में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। 2 साल बाद हो रहे इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर तैयारियां और भी तेज कर दिए हैं। वहीं देखिए, दशहरा कमेटी के अध्यक्ष रावण वध कार्यक्रम को लेकर बताया कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रावण का पुतला 70 फीट लंबा होगा जबकि मेघनाथ का पुतला 65 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 60 फीट लंबा होगा। वहीं पुतला को बनाने के लिए 10 से अधिक कारीगर काम पर लगे हुए हैं। कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए एक छोटे से लंका भी तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब बिना बूस्टर डोज लिए नहीं दे सकेंगे परीक्षा। मास्क और सैनिटाइजर भी रखना होगा अनिवार्य। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 नवंबर से अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शहर के चक्कर मैदान में होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें मुजफ्फरपुर सहित 8 जिलों के करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभ्यर्थी बिना बूस्टर डोज लिए वहां पहुंचेंगे उनको बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही भीड़ को देखते हुए बहाली स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करने को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज जरूर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थियों को बूस्टर डोज लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें बूस्टर डोज का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि बहाली के दिन से 72 घंटे पहले का निर्गत नो कोरोना सर्टिफिकेट भी देना होगा। यह सर्टिफिकेट जिला अस्पताल या सदर अस्पताल का बना होना अनिवार्य है। निजी अस्पताल का नो कोरोना प्रमाण पत्र अवैध माना जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर बहाली स्थल पर अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सभी संबंधित दस्तावेज के साथ मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स रखना होगा। जिसके पास भी नहीं होगा उसे बहाली स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दूरी भी बनाए रखना होगा। अग्निवीर बहाली स्थल पर ड्यूटी में तैनात स्टाफ मास्क और ग्लव्स पहने रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी शिक्षकों को अब दी जाएगी 3 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग। साथ ही वे अपने गृह जिले में करा सकते हैं ट्रांसफर। जी हां देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है बल्कि वे अपने गृह जिले में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। दरअसल सभी स्कूलों के प्रभारी, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और शिक्षकों को 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं देखिए, बिहार के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षक और निरीक्षण शाखा में पोस्टिंग के लिए 3-3 ऑप्शन देने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग और 89 बुनियादी स्कूलों के प्रिंसिपल ने निरीक्षण शाखा में जबकि 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने निरीक्षण से शिक्षण शाखा में अपना ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन दिया है। निदेशक ने आदेश में कहा है कि वे लोग अपने गृह जिला में ट्रांसफर कराने का ऑप्शन दे सकते हैं जिनकी 30 सितंबर 2023 तक 1 साल या उससे कम की सेवा बची हो। सीधा सीधे कहा जाए तो 30 सितंबर 2023 से पहले जो भी रिटायर होने वाले हैं वे ही अपना गृह जिला में ट्रांसफर करा सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बेतिया स्वच्छता रैंकिंग में बिहार में 2 नंबर पर आ चुका है। अब वहां पर सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने पर देना होगा जुर्माना। जी हां देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में लंबी छलांग मारते हुए बेतिया स्टेट रैंकिंग में 2रे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की सूची में पूरे देश में बेतिया 233वें स्थान पर है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेतिया ने बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों को पछाड़ते हुए इस बार उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछली बार यह 13वें स्थान पर था जबकि 2020 में इसकी स्टेट रैंकिंग में 5वीं थी। वहीं नगर आयुक्त लक्ष्मण प्रसाद ने खुशी जताते हुए कहा कि यह गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा
कि इसके लिए प्रशासन एवं निगम कर्मियों ने काफी मेहनत की है, इसके बदौलत यह स्थान हासिल हुआ है। वहीं देखिए, इसके बाद नगर निगम में रविवार को आयुक्त शंभु कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। रैंकिंग सुधार पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि स्टेट रैंकिंग में पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए निगम दूसरे स्थान पर आया है। उन्होंने कहा कि अब पहले स्थान पर लाने के लिए और मेहनत करनी होगी। इसके अलावा देखिए, उन्होंने कहा कि अब व्यावसायिक क्षेत्रों में दो पालियों में कचरे का उठावा झाड़ू लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति व दुकानदार सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए नजर आएगा तो उसे जुर्माना देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक उठाऊंगा किसानों की आवाज। जी हां, देखिए बिहार के महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे के अगले दिन कैमूर जिले के अघोरा में किसान सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया, साथ ही कहा कि अब वे किसानों की समस्या उठाते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। साथ ही देखिए, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो वे सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। वहीं किसान सभा में सोमवार को आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा, जब मैं किसानों की समस्या उठाता हूं और भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। सत्ता में बैठे लोगों को बेचैनी बढ़ जाती है, कर्मचारी और अधिकारी मालिक बन बैठे हैं। अभी मैंने इस्तीफा दिया है, सरकार हम लोगों की है, जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आवाज उठाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ में देखिए, सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बोले सीएम नीतीश की कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर जेडीयू ने कहा था कि यह कोई नई बात नहीं है और इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई है। सीएम नीतीश ने कहा कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने रविवार को अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। देर शाम सीएम नीतीश ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए से राज्यपाल फागू चौहान के पास भेज दिया था। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी सरस्वती प्रारंभिक के री एग्जाम का आंसर की हुआ जारी। जी हां, बीपीएससी सरस्वती प्रारंभिक का आंसर की आउट हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह आंसर की जनरल स्टडीज पेपर के लिए जारी हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की सरस्वती प्रीलिम्स कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव परीक्षा दी है वो इसे आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थियों को केवल bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आंसर की को डाउनलोड करना होगा। इस आंसर को प्रिंट करके रख ले। परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर को किया गया था। परीक्षा के लिए करीब 600,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि इसमें करीब 4.75 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही आपको बता दें कि आयोग के द्वारा जारी आंसर के में किसी उत्तर की गलती को लेकर अभ्यर्थी आयोग में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 12 अक्टूबर 2022 के पहले भेज सकते हैं। बड़े खबर में देखिए, बिहार का दूसरा सबसे गंदा शहर बना सासाराम, पहले स्थान पर रहा सिवान। जी हां, आगामी 20 अक्टूबर को सासाराम नगर निगम का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वह सासाराम नगर निगम के मुंह पर तमाचा है। देश के 382 शहरों में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में सासाराम 372वें नंबर पर है, जबकि बिहार का सिवान शहर 373वें स्थान पर है। इस तरह गंदगी के मामले में सासाराम का बिहार में दूसरा स्थान है। आपको बता दें कि 2021 के सर्वेक्षण में सासाराम सबसे गंदा शहर था। मार्च 2021 में सासाराम नगर निगम बना, तब तत्कालीन नगर परिषद का बोर्ड भंग कर दिया गया। इसके बाद सासाराम नगर निगम की कमान अफसरों के हाथ में आ गई, लेकिन अफसरों के हाथों भी शहर की सूरत नहीं बदली। यो की जगह शहर को नगर आयुक्त मिले, बड़ा बजट मिला, लेकिन शहर गंदगी में अव्वल स्थान पर रहा। हालांकि 2021 में 1,00,000 से 10,00,000 की आबादी के बीच देश के 372 शहरों में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें सासाराम सबसे निचले पायदान पर था। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।